बड़ी दौड़ धूप के बाद वो ऑफिस पहुंच गया। आज उसका इंटरव्यू था। वो घर से निकलते हुए सोच रहा था, ऐ काश आज मैं कामयाब हो गया तो फौरन अपने आबाई मकान को खैर बात कह दूंगा और यहीं शहर में कयाम करूंगा, अम्मी अब्बू की रोजाना की मगजमारी से जान छुड़ा लूंगा। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक होने वाली मगजरेजी से उकता गया हूं, बेजार हो गया हूं। सुबह गुसल खाने की तैयारी करो तो हुक्म होता है, पहले बिस्तर की चादर दुरुस्त करो फिर गुसल खाने जाओ। गुसल खाने से निकलो तो फरमान जारी होता है, नल बंद कर दिया, तौलिया सही जगह पर रखा है या यूं ही फेंक दिया। नाश्ता करके घर से निकलने का सोचो तो डांट पड़ती है, पंखा बंद किया या चल रहा है। क्या क्या सुने यार, नौकरी मिले तो घर छोड़ दूंगा। ऑफिस में बहुत से उम्मीदवार बैठे बॉस का इंतजार कर रहे थे, 10 बज चुके थे। उसने देखा राहदारी की बत्ती अभी तक जल रही है, अम्मी याद आ गईं तो बत्ती बुझा दी। ऑफिस के दरवाजे पर कोई नहीं था, बाजू में रखे वाटर कूलर से पानी रिस रहा था, उसको बंद कर दिया। वालिद साहब की डांट याद आ गई, बोर्ड लगा था इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर होगा। सीढ़ी की लाइट भी जल रही थी, उसे बंद करके आगे बढ़ा तो एक कुर्सी सरे राह दिखाई दी, उसे हटाकर ऊपर गया। देखा पहले से मौजूद उम्मीदवार अंदर जाते और फौरन वापस आ जाते थे। मालूम करने पर पता चला कि वह एप्लीकेशन लेकर कुछ पूछते नहीं हैं, फौरन वापस भेज देते हैं। मेरा नंबर आने पर मैंने अपनी फाइल मैनेजर के सामने रख दी। तमाम कागजात देखकर मैनेजर ने पूछा, कब से ज्वाइन कर रहे हो? उनके सवाल पर मुझे यूं लगा जैसे आज 1 अप्रैल हो और ये मुझे फूल बना रहे हैं। मैनेजर ने महसूस कर लिया और कहा, अप्रैल फूल नहीं, हकीकत है। आज के इंटरव्यू में किसी से कुछ पूछा ही नहीं गया है, सिर्फ सीसीटीवी में उम्मीदवारों का बर्ताव देखा गया है। सभी उम्मीदवार आए मगर किसी ने नल या लाइट बंद नहीं की सिवाय तुम्हारे। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं तुम्हारे वालदैन जिन्होंने तुम्हें तमीज और तहजीब सिखाई है। जिस शख्स के पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, वो चाहे जितना होशियार और चालाक हो, मैनेजमेंट और जिंदगी की दौड़ में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकता। ये सब हो जाने के बाद मैंने पूरी तरह तय कर लिया कि घर पहुंचते ही अम्मी और अब्बू से माफी मांग कर उन्हें बताऊंगा कि आज अपनी जिंदगी की पहली आजमाइश में उनकी छोटी छोटी बातों पर रोकने और टोकने की बातों ने मुझे जो सबक पढ़ाया है उनके मुकाबिल मेरी डिग्री की कोई कीमत नहीं है।